अजनी क्षेत्र के कौशल्यानगर इलाके में ही स्वयं नगरालय की हत्या मामले में शामिल शिवम उर्फ शक्तिमान गुरुदेव की सोमवार को मेडिकल में उपचार के दौरान मौत हो गई। स्वयं के दोस्तों ने बदला लेने के लिए शक्तिमान पर हमला कर दिया था, इसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। ऐसी जानकारी अजनी थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनोद चौधरी द्वारा दी गई है। जुआर टब बंद करने की बात को लेकर उपजे विवाद में आरोपी शक्तिमान गुरुदेव, निशान घोड़ेसवार और उसके दो नाबालिग साथियों ने ऑटो के अंदर घुसकर स्वयं नगरालय की हत्या कर दी थी। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी फरार हो गए थे। यह करतूत आसपास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। पुलिस ने घटना के बाद इस मामले में आरोपी निशान घोड़ेसवार और उसके दो नाबालिग साथियों को धर दबोचा था। स्वयं नगरालय की हत्या में शामिल शिवम उर्फ शक्तिमान गुरुदेव वारदात को अंजाम देने के बाद अपने मामा के घर भांडे प्लाट में जा छिपा था। दूसरे दिन स्वयं के दोस्त आरोपी शक्तिमान को समझौता कराने के इरादे से मौके पर लेकर गए और शक्तिमान पर आरोपी आकाश मनवर, बिरजू शिंदे, सुनील वानखेड़े, अभिषेक घोड़ेसवार, कौशल्यानगर व प्रीतम कावड़े, सुरेश कांबड़े ने हमला बोल दिया। शक्तिमान अपनी जान बचाकर चंडा चौक की ओर भागा। यहां आरोपियों ने उस पर ईंट और पत्थरों से हमला कर उसकी हत्या का प्रयास किया। घटनास्थल से थोड़ी दूर स्वयं की मौत के बाद बंदोबस्त में तैनात पुलिस कर्मियों को शक्तिमान पर हमला होने की भनक लगी तो वह मौके पर पहुंचे। यहां पर गंभीर हालत में पड़े शक्तिमान को मेडिकल में उपचार के लिए पहुंचाया, जहां पर उसका उपचार चल रहा था, किंतु सोमवार को शक्तिमान की उपचार के दौरान मौत हो गई। उसकी मौत की खबर के बाद से ही परिसर में पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त लगाया गया है। खून का बदला खून की घटना से शनिवार को खरबली मची थी। सोमवार को भी परिसर में तनाव जैसी स्थिति बनी थी। अजनी पुलिस ने इसको भापते हुए परिसर में पुलिस कर्मियों को तैनात किया था। काल दिनांक 26/7/21 दोपहरी 2:30 सुमारास पोलीस स्टेशन अजनीचे डीबी पथक हे पेट्रोलिंग करत होते बालाजी नगर या साइडला। त्यावेळी त्यांना माहिती भेटली होती, एक रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आहे सूरज उर्फ बिहारी महतो, त्याच्या घराच्यावर काही आरोपी बसवून शस्त्रासह काही प्लॅनिंग करत आहे। अशा सूचनेवरून डी बी पथकाने 2 पंचांना घेऊन त्या ठिकाणी त्याच्या घराच्यावर जाऊन या आरोपी लोकांना विचारपूस करत असता सूरज बिहारी याने स्वतःच्या हातावर चाकूने चिरे मारले आणि स्वतःचे डोके त्याने भिंतीवर आपटून पोलिसांना तो धमक्या देऊ लागला, जर तुम्ही आम्हाला अटक केली तर आम्ही स्वतःचे कमी जास्त करून तुम्हाला फसवून देऊ। तसेच हे सर्व गुन्हेगारी वृत्तीचे आणि संशयास्पद असल्यामुळे पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले। ताब्यात घेऊन त्यांना घराच्या समोर आणले असता सूरज बिहारी याचे आई, वडील, बहीण आणि पत्नी यांनीसुद्धा पोलिसांसोबत बाचाबाची केली आणि त्यांना ज्या शासकीय कामामध्ये अडथळा निर्माण केला। डी बी पथकचे हेड कॉन्स्टेबल रणजित सेलकर यांच्या तक्रारीवरून आम्ही क्रम 353, 186, 504, 506, 34, 32 गुन्हा दाखल केलेला आहे। त्यात एकूण 11 आरोपी व 1 अल्पवयीन चा समावेश आहे। त्यात आम्ही टोटल 8 आरोपींना आतापर्यंत अटक केलेली आहे। पुढील तपास आमचा सुरू आहे। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वसंत नगर के कुख्यात अपराधी दत्तू खटीक के साथ भी इसके संबंध थे। दत्तू खटीक का शक्तिमान के सिर पर हाथ होने से वह परिसर में उत्पात मचाता था। बस्ती में उसकी दहशत थी और कई गजेंटी कौशल्या नगर में छुटे रहती थी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, आगे की जाँच जारी है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज, नागपुर।